खबर धौलपुर से। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव धौलपुर पहुंचे। राज्य मंत्री जाटव भारतीय जनता पार्टी में चार गुट बताए हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वसुंधरा है, और वसुंधरा है तो भारतीय जनता पार्टी है। सचिन पायलट के मसले पर घर का मामला बताते हुए सुलझाने की बात कही। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने बुधवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और पुलिस अधीक्षक केजर सिंह शेखावत कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने भारतीय जनता पार्टी में चार गुट बताए हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वसुंधरा है, और वसुंधरा है तो भारतीय जनता पार्टी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के मसले पर घर का मामला बताते हुए सुलझाने की बात कही। जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव जिले के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस पर पहुंचे मंत्री जाटव कलेक्टर राकेश कुमार जायसरवाल और पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के साथ कांग्रेसी नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद कलेक्टर सभागार में मंत्री द्वारा जनसुनवाई की गई, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने कोरोना महामारी के हालात का जायजा लेकर विकास कार्यों की भी समीक्षा की, जिसे हम घर में बैठकर सुलझा लेंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस में है, वह कांग्रेस से बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए राज्य मंत्री जाटव ने कहा कि भाजपा में तो नेताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वह वसुंधरा है, और वसुंधरा है तो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में भाजपा में प्रदेश में कई गुट हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत गुट, सतीश पूनिया गुट बने हुए हैं। भाजपा के अंदर एक दूसरे की खींचतान का महायुद्ध चल रहा है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्ट लोगों को सजाने का सहारा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। जनसुनवाई की है, और जनसुनवाई के अंदर जो भी हमारे पास परिवेदन आई हैं उनका निश्चित तौर पर हम लोग है ना एक 8 से 10 दिन में उनका अपना निस्तारण कर देंगे, और महीने में दूसरा अपना मेरा ये राउंड है। तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी में जिस तरीका से ज़िले में बेहतरीन प्रबंधन हुआ, सब लोगों ने मिलकर काम किया, और उसके बाद अब थोड़ी छूट मिली है, तो निश्चित तौर पर और विभागों की समीक्षा मीटिंग होंगी, क्योंकि पहले हम लिमिटेड करते थे, अब थोड़ा सा उसको विस्तार से आज मीटिंग रखी है। तो उस समीक्षा मीटिंग के हिसाब से हम लोगों ने काम किया है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा और लोगों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि जिस तरीका से WHO ने निर्देश दिए हैं कि ये जो थर्ड वेव आ रही है वो कोई डेल्टा के नाम से है, और डेल्टा बड़ा खतरनाक है, 24 घंटे के अंदर उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, और जो आशंका है वो बच्चों की हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसके प्रबंधन के लिए ये हम लोगों ने भी मीटिंग रखी है। और लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा कि मास्क लगाना बहुत अति आवश्यक है, मतलब वैक्सीन लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, और मास्क का लगाना बहुत अति आवश्यक है, तो उसी से निश्चित ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कम से कम लोग प्रभावित हो पाएंगे। कई लोगों में अभी भी भ्रांतियाँ बनी हुई है टीकाकरण को लेकर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संदेश भी देना चाहूँगा, और सरकार भी उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से समय समय पर नगर पालिका जो है और अपना नगर परिषद है उनके माध्यम से प्रचार प्रसार भी चल रहा है कि भाई डरे नहीं, वैक्सीन लगवाएं। अब आपने देखा होगा सेकंड वेव के अंदर जिन्होंने टीके लगवा लिए थे उनको कोई ज़्यादा दिक्कत, मतलब बिल्कुल माइनर सिम्टम्स आए,
और कोई परेशानी नहीं आई, तो टीका लगवाएं, टीका नहीं लगवाओगे तो कैसे बच पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध कराएं, जिससे हम जल्दी से जल्दी समय रहते हुए अपने लोगों को बचा सकें। इस समय सत्ता में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, सचिन पायलट अलग राग अलाप रहे हैं, उसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला है, ये हमारे घर में बैठ के सुलझ जाएगा। और ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे गोविंद डोटासरा जी हैं, मुख्यमंत्री जी, वो अपने स्तर पर सुलझा रहे हैं। सचिन पायलट साहब भी कांग्रेस में हैं, ऐसा तो नहीं कांग्रेस से बाहर है, तो ये हमारा घर का मामला है, हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी के तो अलग ही है, वहाँ तो नोटिस पहुँच रहे हैं और उनका तो वही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है तो वसुंधरा है, और वसुंधरा है तो भारतीय जनता पार्टी है। और उधर चार गुट हैं, गजेंद्र सिंह जी का अलग गुट है, उधर वो सतीश पूनिया जी का अलग गुट है, तो उनका तो बिल्कुल है ना, मतलब बाढ़ चल रहा है एक तरह से, वो कहते हैं ना महायुद्ध, वो चल रहा है। और जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्ट लोगों का साथ दे रहे हैं,